का यही चेंज पॉकेट आया आज ही चेंज करा लिया। पुराना वाला है इसका ऑलमोस्ट कहीं गई। चैनल आलसी ट्रैवलर ब्लॉग और आज की वीडियो में इसका चेन स्पॉकेट आ गया है। आज ही LRL मोटर से मंगाया है और 4000 का चेन स्पॉकेट आ गया रोलन का, क्योंकि लास्ट टाइम भी रोलन का ही लगाए थे तो इस बार भी रोलन का ही लगा रहे क्योंकि ऑलमोस्ट 20000 से अबव चला है। तो अब इसको चेंज करवा लेते हैं घर के पास ही। पहले एक दो जगह गए बट वो लोग स्विंगआर्म खोलने की वजह से पता नहीं स्विंगआर्म खोलना पड़ता है इसका, चेन में कोई लॉक नहीं होता है इसके, तो इस वजह से ये ठीक रहता है। और ऊपर से ये ब्रास का है तो इसको ज़्यादा मेंटेन करना नहीं पड़ेगा और इसमें रस्टिंग वस्टिंग का कोई इशू नहीं आता है बरसात वरसात में, तो इसलिए रोलन का ही लगाते हैं। कंपनी का ऑल द वे लगता है 2600-2700 रुपये का, बट रोलन का 4000 का आता है, बट ये ज़्यादा उससे डबल चलता है, तो इस वजह से डबल चलता है। दस्त में इसको रोलन का ही हम हमेशा पिछले साल भी लगवाए थे 2 साल पहले, और ये इस बार भी 2 साल चल गया, आगे भी आई थिंक 2 साल चल ही जाएगा, मेंटेन करके रखेगा। तो मिलते हैं इसको जब खुलता है। तो रोलन का यही चेन स्पॉकेट आया है आज ही चेंज करा लिया। बहुत दिन से ख़राब आवाज़ कर रहा था और चल नहीं रहा था, बाइक भी निकाल नहीं रहे थे इसी वजह से। तो ये बाइक जो गाड़ी गंदा था तो इसको पहले धुलवा दे रहे हैं, उसके बाद चेन स्पॉकेट इसका चेंज करेंगे। लास्ट इसका चेन स्पॉकेट चेंज हुआ था 11000 रुपये। रोलन कहाँ से लिया? ऑनलाइन LRL से। यहाँ पे बहुत रेयर है कि कोई रखता भी होगा। हम मंगाते हैं 3700 रुपये लेते हैं। कल के लिए निश्चिंत। हाँ तो इतना चल ही जाता, 10-15 हज़ार इस पर। 10-15-20 चला ना, 11000 पे चेंज किया था। तो पीछे का इसका स्पॉकेट चेंज होगा, उसका चेन डलेगा स्विंगआर्म खुलने के बाद। पुराना वाला है इसका ऑलमोस्ट कहीं गई, दांत भी इसका ख़त्म पे टूटने वाला है। साफ है ये, लंबा है ये, छोटा है ये। ऑलमोस्ट 20000 चल गया और 4000 में ये छोटा है कंपनी वाले से। कंपनी वाला इसका ऑलमोस्ट 11000 ही चलता है, ज़्यादा चलता नहीं है। बहुत लोग ये स्विंगआर्म के वजह से चेंज भी नहीं करा था, 300 पे गए थे स्विंगआर्म के वजह से, बोला कल आइए बाद में आइए। थोड़ा सा स्विंगआर्म बड़ा दिक्कत देता है, कोई भी मैकेनिक जल्दी इसी वजह से खोलना नहीं चाहते। बस हो जाएगा, हो जाएगा। फाइनली निकल गया। तो पीछे वाला थोड़ा बहुत ठीक है बट आगे का पूरा स्प्रॉकेट टूट भी चुका था, एक दो दांत उसका उसका तिथ ऑलमोस्ट सब सही है, तो लेकिन फिर भी रिस्की होता आगे वाला, अगर वो आगे से उतर जाता तो फिर और दिक्कत होता। एक बार उतरा भी था, बहुत गंदा फंस गया था। टाइम पास करो, बढ़िया बढ़िया आदमी केस से तो चिड़िया आ जाता है। कोई चीज में करेगा कुछ से करेंगे। हो गया मेरे घर के पास वाला मैकेनिक बोला कि भैया इसमें सुइयां खोले पड़ेगा, ही करे अब कल आइएगा। क्या कल आइएगा सुबह सीधा? हम बोले अभी काम है हमारे, कल सुबह आइए। ये सेंटर मिला के इसको डालते हैं।
टल गया। आया मनीष, गिला तेरे भी बहुत जल्दी लग गया। गिरीश ला तो थोड़ा सा डाउन, फिर उठा हार और थोड़ा क्रॉस क्रॉस छोड़िए, थोड़ा सा दिखाइए ना, लाइट दिखा दो। मोबाइल डाल दिया था, लंबा गया था चेन, स्ट्रेट था नहीं, उसके वजह से थोड़ा रिलीज। सब ड्राई चेन में मोबिल नहीं चाहिए, ड्राई चेन में मोबिल नहीं चाहिए, ओपन ओपन चेन में। सब ओपन चेन है ना, जितना इसमें दीजिएगा उसे क्या कहता है, धूल बैठता है ना मोबिल में, स्प्रे मारिएगा एक नंबर रहेगा, तो सब लाइफ भी ज़्यादा रहता है ना स्प्रे का। नहीं पूरा क्लीन हो गया, आगे पीछे थोड़ा बहुत। तो आज है नेक्स्ट डे, शॉप वही है घर के सामने वाला, बट मोबाइल कल मिला नहीं था, तो मोटुल का आज मोबाइल मिला है, एक 2020 का है, एक 2022 का 23 का पैकेज। ये 2020 का ये कल ही मिल गया था, बट एक ही पीस था उसके पास बचा हुआ, क्योंकि ये बहुत लोग यूज़ नहीं करता, थोड़ा महंगा आता है। और ये अभी लेके आए हैं एग्जीबिशन रोड से, ये दिया हमको 1100 में, एक्चुअली दाम है इसका 1225, बट MRP रेट से थोड़ा कम में मिलता है। तो ये दोनों डलेगा मोटुल का, और इसमें आई थिंक 500 ml कम हो गया था मोबिल, 1 लीटर 200 ml निकला है। चेन आज थोड़ा गंदा हो गया, कल लगा था, इसमें थोड़ा चेन ल्यूब डालना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा ड्राई रहता है, इसलिए हल्का ल्यूब कर देंगे जब लॉन्ग राइड निकलेंगे 15 के बाद। देखते हैं, देख लेना जितना हटेगा, 1.5 लीटर जाता है, 1.5 लीटर जाता है कि 1700 ml, नहीं 1.5। ठीक, सिंथेटिक मतलब हरा कलर रहता है इसका, ऐसे नॉर्मल लाल हल्का रहता है ना, लाल वाइट ग्रे, डुकाटी उकाटी में जो डलाता है ना। हाँ, डुकाटी में डाले हो क्या? एक में डाले हैं। कौन सा डुकाटी था? ज़्यादा नहीं था, लोग मॉडल रहा था। पता कैसे चलेगा 1.5 लीटर, इसमें आधा ही ना साइड में से दिखता है, डाल देंगे। तो भाई ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, कन्या कुमारी जाने से पहले मैंने सर्विस कराया था और चेन स्पोकेट चेंज कराया था, तो ये वीडियो उसी दिन की है, और ये आई थिंक 12 या 13 दिसंबर का है, और उसके बाद मैं कन्या कुमारी के लिए निकल चुका था 17 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था, जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के।